नाउ बफर सॉल्यूशन का लेवल वन क्लास वर्क में ये दे रखा है सॉल्ट का कंसंट्रेशन, ये बेस का दे रखा है, के भी दे रखा है, पीएच निकालना है। ठीक है, हम जानते हैं कि ये बेसिक बफर है क्योंकि बेस है, तो बेस है तो बेसिक बफर बनाएगा, और बेसिक बफर के लिए हम पीओएच निकालते हैं। क्या होता है वैल्यू? पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ये हमने फॉर्मूला हम जानते हैं। पीओएच निकालते हैं पहले, तो पीके का वैल्यू दे रखा है 5 प्लस लॉग सॉल्ट का वैल्यू दे रखा है 0.01 और बेस का है 0.1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस लॉग। अब ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 होगा और ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 होगा, तो क्या बच गया? ये लॉग 10 के पावर माइनस 1, इसको मैं ऊपर लेके गया। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस 1, तो 5 माइनस 1 ये हो गया 4, नीचे दिख रहा है ना। तो हमें निकालना है पीएच, तो हम जानते हैं कि पीएच प्लस पीओएच कितना होता है 14, पीएच पीओएच आ गया 4, तो पीएच कितना होगा 10, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कॉमन आयन इफेक्ट से ही बना सकते, लेकिन हर क्वेश्चन को ऐसा ट्राई मत करना कि कॉमन आयन से ही बना दे हम। ठीक है, दोनों को मान लो यहां पर पहले से सॉल्ट है, NH4 प्लस और Cl माइनस है, सॉल्ट है, मैं आयनाइज कर दिया हूं। इसके अंदर तुम मिला रहे हो NH4OH। ठीक है, तो ये NH4 और ये NH4 कॉमन आयन है, और ये NH4OH जब पानी में जाएगा, इस सॉल्यूशन में जब जाएगा, तो NH4 प्लस और OH पार्शियल ब्रेक होगा क्योंकि ये वीक एसिड है। अब यहां से अगर हम KB लिखे तो क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। KB का वैल्यू, ये PKB है, तो KB क्या होगा? KB क्या होगा? KB हो जाएगा 10^-5, ये हो जाएगा 10^-5 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, अमोनियम आयन। इसका मेजर सोर्स क्या है? ये है या ए है? तो हमारा क्वेश्चन बोलता है कि ये जो है पार्शियल ब्रेक होगा और ऊपर से कॉमन आयन होने की वजह से ये बैकवर्ड भागेगा, तो इसका मेजर सोर्स ये होगा, और इसका मेजर सोर्स कितना है? ये 0.01 है, तो इसका मेजर सोर्स सॉल्ट से लिया जाएगा, इसीलिए देखो फॉर्मूला में सॉल्ट आता है, तो मेजर सोर्स सॉल्ट है, तो सोर्स सॉल्ट में कितना वैल्यू है इसका? तो सॉल्ट 100% आयनाइज होते हैं, जितना ये है उतना ही ये होगा, लेकिन ये 100% आयनाइज नहीं होगा, तो ये इसको हम इतना नहीं बोल सकते, ये 0.1 है, तो ये 100% आयनाइज होगा तो ये होगा। OH का कंसंट्रेशन हमें निकालना है, जिससे हम POH निकालेंगे, और ये बेस का कंसंट्रेशन है, तो देखो 0.1, इसीलिए सॉल्ट का कंसंट्रेशन और बेस का कंसंट्रेशन आता है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 और ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100, ये आ गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10^-4, क्योंकि ये 10 है यहाँ पे, ये 10 है यहाँ पे, तो ये OH का कंसंट्रेशन आ गया 10^-4, तो POH कितना आ जाएगा? POH आ जाएगा 4, तो pH कितना आ जाएगा? 10। लेकिन हर क्वेश्चन को इस मेथड से बनाने का ट्राई मत करना, कुछ कुछ क्वेश्चन ये ऐसे डिफिकल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला बेसिक बनाना, इसीलिए इसके फॉर्मूला में एक सॉल्ट का कंसंट्रेशन आता है और एक बेस का कंसंट्रेशन आता है। ठीक है, तो ये कॉमन आयन हमने बना दिया, और ये नॉर्मल उसी उसी से ड्राइव होके बना हुआ है, कोई नया नहीं है, उसी से ड्राइव होके ये बना हुआ है। लिख लिए होगे, फास्ट लिखते चलना। अब हर क्वेश्चन को ट्राई मत करने लग जाना, जहां पर इजी होगा उसका हार्ड मत बना देना। तो लिख लो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन समझने वाला है, और इसी से एक लेवल, कुछ दिन पहले एक लेवल 2 का क्वेश्चन बना रहे थे, जो बोला था मैंने बाद में बनाऊंगा, इसी से समझ में आ जाए कैसे बनेगा। देखो कैसे क्वेश्चन बोला है कि पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन मिक्सिंग, पीएच निकालना है, किसका मिक्सिंग कर रहा है? 50 ml
ऑफ 0.2 मोलर CH3COOH का, इसके साथ मिक्सिंग कर रहा है और ये हो गया CH3COONA, इसका 25 ml और पीएच लेकिन दिया है, पीएच है 4.8। क्वेश्चन बोला पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन प्रिपेयरिंग बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.2 एंड 25 ml ऑफ, इसका कंसंट्रेशन नहीं दिया है, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ, इसका कंसंट्रेशन निकालना है, एम है, और पीके भी दिया हुआ है हमारे को, पीके भी दिया है 4.8, यानी पीएच और पीके, पीएच और पीके भी दोनों सेम है, तो ध्यान से समझना कैसे बनेगा। तो ये तो बेसिक एसिडिक बफर होगा, पीएच इक्वल टू क्या लिखेंगे, पीके बी प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एसिड का कंसंट्रेशन। पीएच है 4.8 और पीके बी है 4.8 प्लस लॉग। अब ध्यान देना जब दोनों को मिक्स किया जाएगा, अब यहीं पर कहानी समझना, दिस वन इज इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर इसका 50 ml इसका 25 ml अगर मिक्स किया जाएगा तो मिक्स करने के बाद ये कॉन्सेप्ट समझना सब ध्यान से, मिक्स करने के बाद ये 75 ml बन जाएगा। तो यहां मान लो मिक्स कर दिया हमने CH3COOH और CH3COONA, अच्छा मिक्स करने के बाद ये रिएक्शन ओवर तो होगा नहीं, ये सॉल्ट है और ये वीक एसिड है, तो जब मिक्स किया जाएगा तो 50 ml और 25 ml अब वॉल्यूम हो गया, ध्यान से समझना, यानी इसका भी वॉल्यूम चेंज, इसका भी वॉल्यूम चेंज, क्योंकि दोनों अब इसमें आ चुके हैं। तो जब ये 50 ml से 75 ml बनेगा तो इसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन नहीं पकड़ेंगे हम, ये तो 50 ml में था तब इसका कंसंट्रेशन ये था, अच्छा इसका कंसंट्रेशन तो हमें निकालना ही है यहां पे। तो जब मिक्स किया गया तो हम ये अब पता करेंगे इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, नया वाला कंसंट्रेशन, नया वाला, पहले वाला जो 0.2 था वो नहीं, क्योंकि मिक्स किया गया है तो अब नया वाला कंसंट्रेशन क्या होगा, तो कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, तो पहले ये मोल कितना था, मोल तो चेंज नहीं होगा, अगर मान लो इसको मिला दिया गया तो इसका मोल थोड़े चेंज हो जाएगा, तो इसका मोल हो जाएगा एम इंटू वी, तो ये हो जाएगा m इंटू वी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना लेना है 75 ml, तो m इंटू वी यानी m कितना है 0.2 और 50 ml है, ml में रहने दो और ये 75, ये तुम्हें निकालना सीखना है कि जब सॉल्ट को मिक्स किया जाएगा अलग अलग वॉल्यूम में तो इसका नया वाला कंसंट्रेशन पहले वाले मोल के मोल m इंटू वी एम इंटू वी अपॉन वॉल्यूम, अब ये वॉल्यूम 50 नहीं मानोगे, अब ये 75 मानोगे, तो यहां से या ऐसे भी कर सकते हो एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू, लेकिन इसको मत लेना, जब इसका निकाल रहे हो तो सेपरेट ले सकते हो, एम वन वी वन इक्वल टू एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू ले लेना, उससे भी आंसर आ जाएगा। देखो एम वन वी वन यानी 0.2 इंटू 50 और एम टू निकालना है और वॉल्यूम कितना आ गया 75, तो तुम इससे भी निकाल सकते हो, एम टू इक्वल टू हो जाएगा 0.2 इंटू 50 अपॉन 75, देखो दोनों एक ही आया, या तो तुम एम वन वी वन लगाओ, लेकिन ध्यान रखना इसको नहीं, सॉल्ट को उसमें नहीं लेना है क्योंकि कोई रिएक्शन वगैरह नहीं हो रहा है, या तो तुम कंसंट्रेशन नया वाला कंसंट्रेशन, न्यू कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, मोल अपॉन वॉल्यूम, पहले कितना मोल था एम वन वी वन अपॉन नया वॉल्यूम कितना है 75, तो दोनों में से कोई भी काम तुम कर सकते हो, एम वन वी वन करो या एम टू वी टू करो, ठीक है, बेटर ये रहेगा कि इसी से करो, थोड़ा फॉर्मूला में रखने में वैल्यू सही रहेगा। अच्छा इसका अब कंसंट्रेशन क्या होगा,
इसका तो मोल मालूम ही नहीं, तो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा मोल अपॉन वॉल्यूम, एम इंटू भी लिख देते हैं। इसका कंसंट्रेशन यहां से कंसंट्रेशन इसका क्या हो जाएगा, मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, यही लगाओ बार बार, मोल इंटू मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल कितना है, तो एम हमने मान लिया है और 25 ml है, क्योंकि कंसंट्रेशन यही क्या पूछ रहा हो ना, तो मोल एम इंटू भी यानी 25 इंटू सॉरी एम इंटू भी 25 अपॉन वॉल्यूम 75। इसको सोल्व मत करना अभी, तो ये ध्यान रखना, यहां का हमने नया कंसंट्रेशन निकाला, यहां का नया कंसंट्रेशन निकाला, न्यू कंसंट्रेशन दोनों का निकाला सेपरेट सेपरेट, क्योंकि दोनों मिलकर 75 ml हो गए थे। एम वन भी वन अपॉन टोटल वॉल्यूम, एम टू भी टू अपॉन टोटल वॉल्यूम। एक क्वेश्चन दो तीन बार तुम्हें पूछा, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस करके तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज को। अब सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्ट का है 25 एम अपॉन 75, हालांकि ये 75 से 75 कैंसिल हो जाएगा। और एसिड का कंसंट्रेशन न्यू कंसंट्रेशन कितना है, 0.2 इंटू 50 अपॉन 75, ये 75 से 75 गया है, यानी कुल मिला के अगर मैं इतना तामझाम नहीं करूं तो हमारा, तुम बार बार अगर शॉर्टकट करना चाहते हो तो ये कर सकते हो कि देखो यहाँ क्या आया, यहाँ सॉल्ट का कंसंट्रेशन एम इंटू भी यानी 25 एम एम इंटू भी, क्योंकि जब तुम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड मारोगे तो ये वॉल्यूम कैंसिल होना तय है, तो क्यों ना केवल हम एम इंटू भी लिखे, और नीचे इसके टोटल वॉल्यूम से कैंसिल हो रहा है और यहां एम इंटू भी ही लिखे, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2.2। तो हर बार शॉर्टकट में अगर तुम्हें करना है, मतलब इस तामझाम में नहीं पढ़ना है, तो एम इंटू भी यानी कंसंट्रेशन के बदले मोल लिखो, क्योंकि वॉल्यूम जितना इसका है उतना ही वॉल्यूम इसका है, क्योंकि दोनों एक ही के अंदर है, तो ये बार बार कैंसिल आउट होते रहेंगे, तो एम इंटू भी और एम इंटू भी इसका भी लिखना है। क्लियर हो गया बात, तो याद रखना इसका कंसंट्रेशन नया वाला, अगर कुछ पानी वगैरह मिला या कुछ भी मिला है, तो नया वाला कंसंट्रेशन एम इंटू भी लिखना और इसका भी एम इंटू भी लिखना, मतलब एम वन भी वन एम टू भी टू। अपॉन वॉल्यूम करने से कोई मतलब है नहीं, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इसका भी सेम है इसका भी सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दो, ये हो जाएगा इधर आएगा तो जीरो, ये हो जाएगा लॉग, ये 25 एम अपॉन, ये हो गया 10, 100 10 हो जाएगा, इसके पावर में लॉग कैसे यहां सोल्व करेंगे, तो इसके पावर में ये जाता है तो ये वैल्यू आता है, ध्यान देना, इसके पावर में ये जाता है तो ये आता है, तो 10 के पावर में जीरो होगा तो क्या आएगा, 25 एम अपॉन 10। तो यहां से 10 के पावर जीरो 1 आ गया, 1 इंटू 10 10 हो गया और ये 25 एम आ गया, एम क्या हो जाएगा 10 अपॉन 25, सही आ रहा है, 0.4। तो तुम्हें दोनों तरीका सीखना है, एक शॉर्टकट, मतलब यहां से बार बार वॉल्यूम को नेगलेक्ट कर दोगे, क्यों, क्योंकि कैंसिल आउट होने वाला है, नया अगर मिला के कुछ वॉल्यूम दिया जाए तो नया कंसंट्रेशन निकालना है, न्यू मोल अपॉन नया वॉल्यूम, न्यू मोल अपॉन नया वॉल्यूम, एम वन भी बोलते कैंसिल आउट होने वाला है, तो तुम ध्यान रखना हमेशा कि ये लिखने की कोशिश करना, क्योंकि डिवाइड बाय वॉल्यूम करोगे तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गए। क्लियर है, ऐसा ही क्वेश्चन एक लेवल टू में जिसमें कि पूछा है कि वॉल्यूम वगैरह कुछ निकालो इसका, तो ये दिमाग में पिक्चर बनना चाहिए कि दोनों को मिलाने के बाद नया कंसंट्रेशन कैसे निकाले, ये नहीं बनाओगे पिक्चर दिमाग में तो नया कंसंट्रेशन तुम इसी में उलझ जाओगे कि कौन कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, किस वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, वो समझ ही में नहीं आ रहा है, कौन सा वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है, किस कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहा है, तो ये दोनों को मिक्स करने के बाद 75 ml बना, इसका सेपरेट कंसंट्रेशन निकलेगा मोल इंटू मोल एम इंटू भी अपॉन वॉल्यूम, और इसका सेपरेट कंसंट्रेशन निकलेगा एम इंटू भी अपॉन वॉल्यूम,
अब ये डायग्राम ध्यान देना, इससे क्वेश्चंस अब क्या पूछेगा तो तुम आसानी से बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन इक्विमोलर ऑफ कंसंट्रेशन एक्ट एज ए बफर सॉल्यूशन, कौन बफर सॉल्यूशन का काम करेगा। तो देखो HNO3 प्लस NaOH, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। सेकेंड है H2SO4 और KOH, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, कभी हम सोच ही नहीं सकते। NH4OH और HCl, और यहां लिख के दिया एक्सेस, एक्सेस लिखने का मतलब ये हुआ कि ये लिमिटिंग हो जाएगा और ये बचेगा नहीं। जब ये दोनों का रिएक्शन करवा दोगे तो क्या बचेगा फाइनल, NH4OH बचेगा और ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बचेगा, NH4Cl बचेगा। तो देखो ये वीक एसिड है और ये इसका सॉल्ट है, कंजुगेटेड सॉल्ट है इसका, इसको एक्सेस लिखना पड़ेगा और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। उसके बाद है फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में दिया है CH3COH प्लस NaOH और NaOH को उल्टा एक्सेस लिख दिया है। जब एक्सेस ये हो जाएगा तो बच जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और ये एक्सेस में बच जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा NaOH और इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CH3C(OH)NA। क्या हमारा ये कंडीशन कंप्लीट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस और उसका सॉल्ट कभी बफर हो सकते हैं, कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन pH is 3, द इंक्रीज pH कैन बी इंक्रीज, करा एसिडिक बफर है, pH इक्वल टू क्या होता है pKa प्लस log सॉल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एसिड का कंसंट्रेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, pH बढ़ाना है तो सॉल्ट बढ़ेगा, सॉल्ट बढ़ेगा, कोई माइनस वोस तो लगा नहीं है, सिंपल सा बात है, सोल्ट का बढ़ेगा तो लॉग का वैल्यू ज्यादा आएगा, लॉग का वैल्यू ज्यादा आएगा तो ये वैल्यू में से ज्यादा ऐड होगा, ज्यादा ऐड होगा तो पीएच ज्यादा होगा। तो पीएच बढ़ाने के लिए क्या क्या कंडीशन है इसका, पीएच बढ़ाने के लिए सोल्ट का कंसंट्रेशन क्या होना, ज्यादा होना, एसिड का कंसंट्रेशन क्या होना, कम होना, एसिड का कंसंट्रेशन कम होना, पीके का वैल्यू क्या होना, ज्यादा होना, कम नहीं वैल्यू ज्यादा आएगा, यानी यहाँ पर पीएच का वैल्यू इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी कर रहा है, इस पे भी कर रहा है। ऑप्शन चेक कर लो, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पहला सही बोल रहा है, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड गलत बोल रहा है, डिक्रीज करना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट गलत बोल रहा है, बढ़ाना पड़ेगा। इंडिपेंड द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट बिल्कुल गलत बोल रहा है, दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 40 में क्या बोल रहा है, बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग NH4OH एंड NH4Cl, द बफर कैन बी इंक्रीज, द बफर सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज। अच्छा ये तो बात ये है कि 40 नंबर में ये हमारे को NH4OH दिया है और NH4Cl दिया है, तो ये तो बेसिक बफर हो गया, बेसिक बफर हो गया ये, तो बेसिक बफर के लिए हम पीओएच निकालते हैं, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बेस का कंसंट्रेशन। अगर हमें पीओएच बढ़ाना है सेम टू सेम वही, तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन पीओएच बढ़ाना है तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, बेस का कंसंट्रेशन घटाना पड़ेगा और पीकेबी का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, तब पीओएच बढ़ेगा। अब जानते हैं कि पीओएच और पीएच का सम, हमसे क्वेश्चन में पीओएच नहीं पूछा है,
हमसे पूछा है पीएच के बारे में, ये वैल्यू जितना ज्यादा आएगा उतना ही ये क्या आएगा, कम आएगा, आएगा ना, क्योंकि दोनों का सम। तो हमसे पूछा है कि पीओएच बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, सॉरी पीएच बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो ये तो हम जितना भी कंडीशन बता दिए वो पीएच घटाने के लिए बढ़ा दिए, बता दिए, क्योंकि ये पीओएच बढ़ाएगा तो पीएच कम आएगा। तो पीओ पीएच अगर बढ़ाना है तो उल्टा उल्टा बोलेंगे, क्योंकि ये बेसिक के लिए बात कर रहा है। हाँ, सेकेंड ऑप्शन देखो, एडिशन सम मोर एन एच फोर ओ एच, बिल्कुल सही बोल रहा है, ये बढ़ाना पड़ेगा तब ये बढ़ेगा, क्योंकि हमने घटाने वाला बात कर दिया। रिमूवल ऑफ एन एच फोर सी एल, सॉल्ट को कम करना, बिल्कुल सही बोल रहा है, अगर सॉल्ट को हम कम करेंगे तो ये बढ़ेगा, यानी सेकेंड और थर्ड ऑप्शन। अब ध्यान दो ऑप्शन नंबर वन पे, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर वन इंपॉर्टेंट बोल रहा है कि वाटर को मिलाने पे क्या होगा। देखो ध्यान से, वाटर को मिलाने पे क्या होगा, सोचो, अभी अभी बताया था, मान लो यहां पर NH4Cl है और यहां पर NH4OH है, दोनों को मिक्स कर दिया गया और मिक्स करने के बाद कुछ वाटर मिला दिया गया, यहां पर NH4Cl और यहां NH4OH है। अब यहां वाटर मिलाने से क्या पीएच का वैल्यू चेंज होगा कि नहीं होगा, उस पर हम थोड़ा बात कर ले। तो पीएच इक्वल टू हो जाएगा पीके, चाहे एसिड के लिए बात करो चाहे बेस के लिए बात करो, सॉल्ट अपॉन एसिड। अब ध्यान देना, पानी मिलाने के बाद कंसंट्रेशन जो नया वाला है, मोल इनटू वॉल्यूम, अब मान लो यहां एम वन है, वी वन है, यहां एम टू है और वी टू है। अब तुम सोचो कि अभी अभी मैं सिखाया था तुम्हें नया वाला कंसंट्रेशन, एम वन वी वन अपॉन नया वाला वॉल्यूम, मान लो नया वाला वॉल्यूम कुछ वी थ्री है या, और यहां कंसंट्रेशन हो जाएगा एम टू वी टू और नया वाला वॉल्यूम वी थ्री है, क्योंकि दोनों एक ही में, ये वी थ्री से वी थ्री कैंसिल हो जाएंगे, तो वाटर को मिलाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इस बात को गांठ मान लेना कि डायलूशन करने से बफर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है वो सेम वही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि नया वाला वॉल्यूम पानी ऐड करने से तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, इस चीज को ध्यान में रखना। और एक बात ध्यान रखना कि पीएच या पीओएच का जो वैल्यू है बफर के लिए वो पीकेबी पे, सॉल्ट पे और बेस पे, या पीके पे, सॉल्ट पे या एसिड पे ही डिपेंड करेगा, बाकी पे डिपेंड नहीं करेगा। इसको लिख भी लेना कि पीएच का वैल्यू पीके और सॉल्ट के कंसंट्रेशन और एसिड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, बाकी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये रेशियो है और कैंसिल हो रहा है, तो वाटर वगैरह मिलाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इस बात को नोट डाउन करके लिख भी लेना, स्टिकी नोट्स बना के। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, ठीक है, इसलिए इसमें 40 में ऑप्शन नंबर वन का कोई डिस्कशन नहीं किया है, इसको याद रखना। 40 हो गया, अब आ जाओ लेवल वन के क्लास वर्क पे। लेवल वन के क्लास वर्क क्या है, थोड़ा मैं फास्ट बना दे रहा हूं, पेज नंबर आ जाओ, लेवल वन के होमवर्क पे आ जाओ, क्लास वर्क हो गया, पेज नंबर है 222, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 10 ml। अब ध्यान से समझना कैसे इसका एक एक क्वेश्चन को हम सेपरेट आउट कर रहे हैं। बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 10 ml, तुम एक डायग्राम बना लो, तुम्हें क्लियर दिखना चाहिए, 10 ml और 1.0 मोलर एसिटिक एसिड एंड, यानी इसको मिक्स किया गया होगा, 20 ml ऑफ
0.5 सोडियम एसिटेट CH3COONA, ये वीक एसिड है और इसका सॉल्ट है। देन इट इज डाइल्यूटेड, देखो अब क्वेश्चन आ भी गया और यहां से हमें प्रूफ भी हो जाएगा क्या डाइल्यूट करने से कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या। देन इट इज डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड 100 ml डिस्टिल वाटर। अब यहां पर सबको मिला दिया गया, सब मिक्स कर दिया गया, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, पानी भी आ जाए। यहां पर आ गया CH3COOH भी आ गया, CH3COONA भी आ गया और पानी भी आ गया, ठीक है। तो सबको जब मिलाएंगे तो 10 ml, 20 ml और 100 ml, यानी टोटल यहां हो जाएगा 130 ml वॉल्यूम हो जाएगा यहां वाला। तो हमसे क्वेश्चन बोला है, अच्छा इसका पीके दे रखा है 4.76, तो हमसे क्वेश्चन में बोला है पीएच क्या होगा, इस क्वेश्चन का पीएच निकालना। देखो कैसे निकालेंगे, ये पिक्चर हमेशा दिमाग में बना के रखना कि इसका वॉल्यूम और मोलारिटी, इसका वॉल्यूम और मोलारिटी को मिक्स किया गया, मिक्स करने के बाद डाइल्यूट किया गया, या तो ये पिक्चर बनाने तुम्हें आना चाहिए। अगर हमें इसका पीएच निकालना है तो पीके प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एसिड का कंसंट्रेशन। मेन बात हमारा ये है कि मैं यहां पर 4.76 प्लस लॉग, हमारा मेन पर्पस है सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकालना। तो यहां चलते हैं, सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकालते हैं। कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मोल आ जाएगा, यानी 20 × 0.5 देखते चलना अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम 130 ml। फिर हमें एसिड का कंसंट्रेशन बोला है निकालो, एसिड का कंसंट्रेशन m into v, m कितना है 1 और v कितना है 10 अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम अब ये लेंगे ना, m1 v1, यानी मोल अपॉन वॉल्यूम, ध्यान रखना m1 v1 है ये, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मोल आता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने में मोल आता है, ये मोल आता है, तो ये मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करूं, यहीं पे देख लो, अगर तुम इसका वैल्यू पुट करोगे दोनों सॉल्ट अपॉन एसिड का, तो ये 130 से 130 तो कैंसिल मार देगा, तो पानी मिलाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। यानी मैं अगर डायरेक्ट भी लिख दूं कि सॉल्ट का m1 v1 अपॉन एसिड का m2 v2, तो क्या फर्क पड़ता है, यही तो आया फाइनली, ये तो कैंसिल आउट हुआ। और इसमें से तुमसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि इसका वॉल्यूम बताओ या इसका वॉल्यूम बताओ कि पीएच इतना हो जाए, तो तुम याद रखना ऐसे क्वेश्चन लेवल 2 में आएगा कि इसका वॉल्यूम बता दो, इसका वॉल्यूम बता दो, डाइल्यूशन कर कितना किया जाए। तो ये चीजें ध्यान रखना है, ये जो तुम पानी मिलाए हो वो कैंसिल आउट कर दिया है, ये कभी इसको ये मैं दो बार तुम्हें इंडिकेट कर दिया इस पॉइंट से, ये हो जाएगा 4.76। तुम पानी वगैरह मिलाने से, तुम मैं बोला डायरेक्ट कुछ भी मिक्सिंग भी करेगा तो नीचे वाला वॉल्यूम हमेशा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रेशियो है ना, तो तुम हमेशा m1 v1 m2 v2 के पीछे पढ़ना, m1 v1 m2 v2 प्लस लॉग, m1 कितना है ml में, तो ml में रहने दो, ये हो जाएगा 110 हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 × 0.5, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 × 0.1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो पीएच कितना आ गया 4.76 प्लस 1 आ गया 5.76। तो याद रखना कि तुम हमेशा कुछ भी मिला दिया जाए, कंसंट्रेशन नया भी कर दिया जाए, या इसका 25 ml इसका 20 ml मिक्स किया गया, या इसका कभी वॉल्यूम भी तुमसे पूछ लेगा कि कितना वॉल्यूम मिलाया जाए इसका कि पीएच इतना हो जाए, कभी कभी इसका वॉल्यूम पूछ लेगा तुमसे कि कितना, अब यहां तो पीएच पूछा है तुमसे, कहीं पर पीएच दे दिया जाएगा और पूछ लेगा इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो तुम चुपचाप क्या करना m1 v1 अपॉन m2 v2
क्योंकि दोनों को मिलाने के बाद टोटल वॉल्यूम कैंसिल आउट होना तय है, क्योंकि रेशियो है, इस बात को ध्यान रखना। बात हो गई हो क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है, पीके ऑफ वीक एसिड इज 4.8, रेशियो सॉल्ट टू एसिड, व्हाट इज रेशियो ऑफ सॉल्ट टू एसिड इफ पीएच इज बफर इज 5.8 टू बी प्रिपेयर्ड। चलो ये लिख लिए होगे, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, कह रहा 32 में कि पीके ए है 4.8 है, रेशियो बताना है, पीएच 5.8 है, किसका रेशियो बताना है, एसिड टू सॉल्ट का। ये तो आसान क्वेश्चन है, पीएच इक्वल टू क्या होता है, पीके, एसिडिक है तो लॉग, क्योंकि के का वैल्यू दे रखा है, और यहां हो जाएगा सॉल्ट अपॉन एसिड, और बेस क्या होगा 10, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 5.8, इसका वैल्यू कितना है 4.8, ये क्या हो गया लॉग बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है, ये इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू लॉग 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। लॉग का मैं तुमसे बेसिक टर्म बताया, इसके पावर में ये जाएगा तो ये आएगा, यही होता है ना, इसके पावर में ये जाता है तो ये आता है, तो इसके पावर में ये जाएगा तो क्या आएगा, सॉल्ट अपॉन एसिड, तो रेशियो क्या हो जाएगा 10:1। या एक काम और कर सकते हो, देखो मैं तुम्हें एक और तरीका बता रहा हूं, इस 10 को लिख दो लॉग 10 1 का वैल्यू क्या आता है, लॉग 10 का वैल्यू 1 आता है, तो इसको लॉग के फॉर्म में लिख दो, और इधर लिख दो लॉग 10 सॉल्ट अपॉन एसिड, हालांकि लॉग से लॉग कैंसिल नहीं होता है, लेकिन कर भी सकते हैं, गलती नहीं आता है, ये लॉग से लॉग कैंसिल कर दो, ये बेस 10 गया, तो 10 इक्वल टू क्या आ गया, सॉल्ट अपॉन एसिड, लॉग से लॉग कैंसिल करना, ये बच जाएगा, ये भी आंसर कर सकते। लॉग 1 नहीं आएगा, ये इधर आएगा तो 1 होगा और ये सॉल्ट होगा, इसके पावर में जाएगा, तो लॉग का बेसिक डिफिनेशन क्या होता है, इसके पावर में जाता है तो ये आता है, या दूसरा तरीका है लॉग 1 का 1 को लॉग में बदल दो, वन टेन लॉग का वैल्यू 1 होता है, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, इतना इक्वल टू इतना, इस लॉग को लॉग से कैंसिल कर दो, बेस कैंसिल हो जाएगा, 10 इक्वल टू इतना जो इंडेक्स में है वो इक्वल कर दो, प्रीवियस क्वेश्चन में 31 का आंसर आ रहा था ना, पीएच ऑफ द बफर, पीएच निकालना है, तो पीएच क्या हो जाएगा, पीके भी 4.76 है और प्लस लॉग है, सॉल्ट कितना है, एसिड है, इतना सोडियम एसिटेट है 20 × 0.5 अपॉन, ये क्या आ जाएगा 10 × 1.1, ये हो जाएगा 110 log 10 1, तो पीएच कितना आ जाएगा 4.76 प्लस लॉग, ऊपर क्या आएगा 10 और नीचे क्या आएगा 1, log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, ये होगा 5.76 ही दिया है ना, नहीं गलत हो रहा है क्या, अच्छा ये 0.1 नहीं है 1 है, तो ये 10 होगा, log 1 आएगा, 0 आएगा वैल्यू 4.76, ठीक है log 10 आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 33। तो वॉल्यूम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसको ध्यान में रखना, इसीलिए मैं तुम्हें हर क्वेश्चन डिस्कस किया हूं ताकि हर कॉन्सेप्ट तुम समझो। 33 में देखो, इन एसिडिक वेफर पीएच इज 4.4, 4.4 इक्वल टू रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन टू एसिड टू सॉल्ट बोला है, एसिड टू सॉल्ट 2:1 है, यानी सॉल्ट टू एसिड कितना होगा 1/2। ठीक है, अब कह रहा है कि वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक एसिड यानी केबी का वैल्यू बताना है, तो यहां होगा पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन 1/2 हो जाएगा और बेस 10, इसको सोल्व कर देना है। 4.4 इक्वल टू पीकेबी प्लस ये 2^-2 हो जाएगा, 2^-1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 4.4 इक्वल टू पीकेबी, ये माइनस वन पहले आ जाएगा, लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3। इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4.4 प्लस 3 पीकेबी, ये हो जाएगा 4.7 इक्वल टू पीकेबी। डिसोसिएशन कांस्टेंट केबी पूछ रहा है, तो केबी पूछ रहा है तो इसमें पी का मतलब क्या हुआ, लॉग माइनस लॉग बेस केबी इक्वल टू 4.7, इसको करोगे तो 10^ केबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके पावर में जाएगा, केबी इक्वल टू हो जाएगा 10^-4.7, यानी लगभग ये आएगा 5 के आसपास आएगा। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल में आ गया, इसको सोल्व करना पड़ेगा तुम्हें, डेसिमल में आते प्रॉक्स में लेना पड़ेगा। 10^-5 में दो ऑप्शन है, एक बार ऐसा करो तुम क्रॉस चेक कर लो, कैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि तुम ऐसे ही निकालो, तुम ऑप्शन को यानी थर्ड ऑप्शन को और फोर्थ ऑप्शन को क्रॉस चेक करो, लॉग उसका लॉग लो, थर्ड ऑप्शन का फोर्थ ऑप्शन का लॉग लो, तो लॉग 4×10^-5 इसका लॉग निकालो और देखो कि वैल्यू इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम इसका जरूरी नहीं कि तुम ऐसे ही करो, क्रॉस चेक कर लो, इसको हटा दो, पीकेबी का वैल्यू 4.7 किस ऑप्शन के लिए आ रहा है, ये तो समझ में आ गया कि 10^5 के आसपास आएगा, तो तुम फोर्थ ऑप्शन को लॉग निकाल लो, देखो कि 4.7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फोर्थ ऑप्शन को भी क्रॉस चेक कर लो, माइनस लॉग 2×10^-5 इसको भी क्रॉस चेक कर लो, देख लो किसका वैल्यू मैच कर रहा है इससे, जो वैल्यू मैच करेगा वो आंसर होगा, जरूरी नहीं कि हम प्रोसेस से निकाल के दे, आंसर से भी क्रॉस चेक करके आंसर बता देंगे हम, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये डेसिमल में आ गया है, तो डेसिमल वाला ऐसे ही करो, क्रॉस चेक करके ही बना लो, इसका निकालोगे तो 5 में से कुछ ज्यादा ही कम हो जाएगा, लॉग 4 का वैल्यू 0.7 हो जाएगा, ये 5 माइनस ये हो जाएगा 0.6, 4.4 के आसपास आएगा, जबकि 4.7 है ये, तो ये हो जाएगा 5 में से log 3 माइनस करेंगे तो ये 4.7 ये वाला होगा, दो वाला, चलो क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है, ए सॉल्यूशन कंटेन इक्वल मोलर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट, यानी उसका कंजुगेट मतलब सॉल्ट है, और पीकेबी दिया है, और यहां क्या लिखा है, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड और उसका इट्स कंजुगेट, मतलब ये बेसिक बफर बनाया है, सॉरी एसिडिक बफर बनाया है, एसिडिक बफर बनाया है, लेकिन एसिडिक बफर बनाने के साथ इसमें वैल्यू जो दिया है
पीके भी दिया है, पीके भी 9 है, तो पीके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं पीके भी प्लस पीके 14 होगा, 9 × 10 5 हो जाएगा, हो जाएगा ना, पीके भी दिया है, या ऐसे तुम करना जानते हो के ए इंटू के बी इक्वल टू क्या होता है के डब्ल्यू, इससे भी तुम निकाल सकते हो 10^-9 होगा तो 10^-4 5 हो जाएगा, तो पीके भी 5 हो जाएगा। ये बेसिक एसिडिक बफर है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड क्या होगा, नहीं सॉरी पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो पीएच क्या हो जाएगा पीके ए लिखेंगे, बी नहीं लिखेंगे क्योंकि एसिडिक बफर है, तो ये हो जाएगा 5+ log। एसिड और बेस का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, इक्विमोलर है, तो एसिड और बेस का एसिड और सॉल्ट का कंसंट्रेशन सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 होगा और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, 10^0 जाएगा तभी तो 1 आएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 0, तो पीएच 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 10 मोलर ऑफ CH3C(O) एंड 1 मोलर ऑफ CH3C(O), 10 है 1 है, पीके 4.8 है, तो पीएच बताओ, तो फॉर्मूला बेस है, अब तो पीएच निकालना है, तो क्या लिख देंगे 4.8+log। सॉल्ट का कंसंट्रेशन 10 है और एसिड का कंसंट्रेशन 1 है, ये 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो पीएच क्या आ जाएगा 4.8+1 कितना आ जाएगा 5.8। क्वेश्चन में तो दम भी नहीं है। 36 पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग ऑफ इतना 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 इतना, चलो मिक्सिंग वाला क्वेश्चन एक बार फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है, व्हाट इज पीएच ऑफ द ऑब्टेन बाय मिक्सिंग ऑफ 100 ml, इसको 100 ml है और इसका 5 मोलर कौन है सॉल्ट है NH4Cl है, प्लस यहाँ पर क्या मिला दिया गया है, यहाँ पर 5 मोलर है और यहाँ बेस है NH4OH है, पीके बी ऑफ NH4OH भी, पीके भी दिया हुआ है 4.2। अब मिक्सिंग जब किया गया है तो नया यहाँ पर कंसंट्रेशन बनेगा, तो न्यू कंसंट्रेशन NH4Cl का क्या आएगा, तो आ जाएगा मोल इंटू वॉल्यूम एम इंटू भी, यानी 5 × m × v अपॉन टोटल वॉल्यूम, यहां पर वॉल्यूम कितना है इसका, टेन एम एल ऑफ ईच है, छत्तीस बना रहा हूं मैं, इसका 100 ml है, ये 100 ml, यहाँ वॉल्यूम कितना हो जाएगा 200 ml, क्योंकि 100+100, लेकिन ये करने से कोई मतलब है नहीं है क्योंकि कैंसिल आउट होने वाला है ये, और यहाँ पर कंसंट्रेशन NH4OH का कितना हो जाएगा, तो तुम कितना भी मिला लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ m इंटू भी 5 × 100, दोनों का बराबर है क्या, दोनों बराबर है, अपॉन वॉल्यूम 200, तो जब हम इसका फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो 200 से 200 कैंसिल होना तय है, तो तुमसे कभी कभी इसका भी वॉल्यूम पूछ लेगा, इसका भी वॉल्यूम पूछ सकता है। अब हम इसके फॉर्मूला में पुट कर देंगे पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.2, ये बेसिक है तो पीओएच निकलेगा, तो 36 में पीएच पूछा है तो हम पीओएच निकालेंगे 4.2+ इसका वैल्यू हो जाएगा, दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब इक्वल है, सब कुछ ध्वस्त हो गया, 1 आया वैल्यू 0 हो जाएगा, तो पीओएच आ गया 4.2। पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे 14 − 4.2 यानी हो जाएगा 9.8। ग्लिसाइन ग्लाइसिन होता है, बता रहा हूं ग्लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया,
ठीक है। टाइमिंग क्या है? ग्यारह बजे तक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे, ग्लाइसिन उसी समय बोल बताऊंगा।